नमस्कार, कक्षा 8 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2, इसका प्रथम भाग हम करने जा रहे हैं। हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है ए बी सी डी। हमें कहा गया है एक्स वाई जेड निकालिए, एक कोण हमें बी बताया गया है 100 डिग्री का। तो बच्चों, क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है और हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसका मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 100 डिग्री। ये आपस में सम्मुख कोण है, एक दूसरे के आमने सामने वाले कोण हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा y बराबर है 100 डिग्री। इसके साथ हमने रीज़न लिखना है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ये बराबर होते हैं आपस में। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने इस प्रश्न में एक्स वाई और जेड तीन चीज़ें निकालनी हैं। तो अभी हमने वाई निकाला। अब बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, DC और AB ये दो समांतर रेखाएं हैं और यह है एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल जो इन दोनों रेखाओं को काटती है। तो हमने पढ़ा था जब दो समांतर रेखाएं हो और एक तिर्यक रेखा उनको काट रही हो तो ये तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण हैं, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण हैं और इनका जोड़ 180 डिग्री होता है यदि ये दो लाइनें समांतर हों। तो समांतर चतुर्भुज है इसलिए ये दो लाइनें तो समांतर ही हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वाई प्लस जेड, वाई और जेड इन दोनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होता है। कई बच्चे कहते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होते बेटा। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंदर वाले कोण, अंतः कोण, ये इनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इसके साथ भी हम रीज़न लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण। ठीक है, y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। अभी आपने ऊपर निकाला y 100 डिग्री के बराबर है तो y की जगह लिख दीजिए 100 डिग्री प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। यहाँ से जेड कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, 100 इसके साथ प्लस हो रहा है, 100 बराबर के उधर जाएगा तो 100 डिग्री हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से जेड आ गया 180 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस कर दो, बाकी बच गया 80 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास जेड आ गया है 80 डिग्री। और अभी हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए, जेड के सम्मुख कोण कौन सा होगा, एक्स। जेड के बिल्कुल सामने कोण कौन सा है, एक्स। इसका मतलब एक्स जो है वह जेड के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, इसका हम रीजन लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है बच्चों, और अगर z 80 डिग्री के बराबर है तो x भी किसके बराबर आ जाएगा, 80 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो देखिए, अभी हमें x y z निकालना था, ये हमने यहाँ पे y निकाल दिया है 100 डिग्री, ये हमने z निकाल दिया है 80 डिग्री और हमने x भी निकाल दिया है 80 डिग्री। तो x y और z तीन मान हमने ज्ञात करने थे, तीनों हमने ज्ञात कर दिए। ये ज़ुबानी हो जाता है। देखिए बच्चों, ये 100 डिग्री है, समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे तो 100 डिग्री है तो ये y डिग्री, y भी 100 डिग्री होगा। उसके बाद y और z जो है तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण है, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण है, इनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा।
वाई 100 डिग्री है तो जेड 80 डिग्री होगा, और यदि जेड 80 डिग्री है तो एक्स भी 80 होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है और चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने वाई जेड और एक्स तीनों ही कोण निकाल दिए हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्न को वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।